Get your ticket to your dream career. Join IIMT University, which offers courses in engineering, pharmacy, law, management, mass communication, hospitality management, nursing and paramedical and other professional courses. O Pocket, Ganganagar, Mavana Road, Meerut. Namaskar, aap dekh rahe hain firstbite.tv. Corona ke badhte keson ne Meerut mandal ke 3 jilon ko chapet mein le liya hai. Lagatar badh rahe keson ko dekhte hue मेरठ, गाजियाबाद व नोएडा में रात्रि कर्फ्यू लगा दिया गया है। इस दौरान आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति जारी रहेगी। मेडिकल सेवा व मीडिया को भी नाइट कर्फ्यू से मुक्त रखा गया है। मेरठ मंडल के कमिश्नर सुरेंद्र सिंह ने आज मीडिया को यह जानकारी दी। और दिल्ली NCR में स्थित होने के कारण मेरठ मंडल के 3 जनपद ऐसे हैं जहाँ पर संक्रमण काफ़ी है और एक्टिव केसेज की संख्या 500 से ज़्यादा हो गई और प्रतिदिन जो नए केसेज आ रहे हैं वो भी लगभग 100 के करीब या 100 से ज़्यादा इन 3 जनपदों में मेरठ, गौतम बुद्ध नगर और गाज़ियाबाद में आ रहे हैं। और आपको पता ही है ये तीनों ही जनपद ऐसे हैं जो एकदम सीधे जुड़े हुए हैं हमारे NCR रीजन से और बहुत भारी संख्या में लोगों का आवागमन रहता है रेलवे के माध्यम से, बसेस के माध्यम से, निजी वाहनों के माध्यम से और इवन जो दिल्ली एयरपोर्ट है उसके माध्यम से भी काफ़ी लोगों का आगमन रहता है जिसकी वजह से संख्या काफ़ी बढ़ रही है। एहतियात के तौर पर सारे कदम उठाए जा रहे हैं। आज ही ये 3 जिलों में हमारे डिसीजन लिया गया है, गौतम बुद्ध नगर में, गाज़ियाबाद में और मेरठ में, कि रात्रिकालीन कर्फ्यू यहाँ पे इम्पोज किया जाएगा और ये समय अवधि होगी वो 10 बजे, रात के 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक। अभी फ़िलहाल ये किया गया, इसके बाद इसको रिव्यू भी किया जा सकता है, भविष्य में जिस तरीके के परिणाम रहेंगे और संक्रमण की दर रहेगी उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन लिया जाएगा। फिलहाल ये 17 अप्रैल तक के 2 जनपदों ने, गाज़ियाबाद और गौतम बुद्ध नगर ने आदेश किए और 18 तारीख तक मेरठ ने आदेश किया है। इसमें काफ़ी एग्जेम्पशन भी रखे हैं ताकि किसी भी जनमानस को कोई किसी प्रकार की असुविधा ना हो। जितने शासकीय कर्मी हैं उनको तो पूरी तरीके से रात को एग्जेम्पशन रहेगा किसी भी सरकारी काम के लिए। इवन जो प्राइवेट मेडिकल स्टाफ होगा या डॉक्टर्स होंगे उनको भी पूरी छूट रहेगी। जो एसेंशियल सामान ले जाने वाले ट्रक हैं या गाड़ियाँ हैं जो रात को सामान पहुंचाती हैं उनको भी रहेगा। रेस्टोरेंट को भी 1 घंटे की छूट रहेगी कि वो सैनिटेशन की ड्राइव करें। और जो पंचायत चुनाव में जिनकी ड्यूटी लगी है डोर टू डोर जो लोग खाने की चीज़ें ले जाएंगे रात को, मान लीजिए ट्रांसपोर्ट करेंगे, तो इस तरह के आपके प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो एसेंशियल जिनकी सर्विसेज हैं उनको एग्जाम रखा जाएगा। और ये निर्देश है कि इसको बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में करना है, लोगों से अपील करके, लोगों से संवाद करके इसको एनफोर्समेंट कराना है। किसी प्रकार के ऐसा कोई व्यवहार किसी हमारे शासकीय कर्मी का ना हो जो अपेक्षित ना हो, जो उचित ना हो। तो सभी को कहा गया है कि इसको अच्छे से एनफोर्समेंट कराना है। लागू कराने में हम जीरो टॉलरेंस पॉलिसी रखेंगे लेकिन जो व्यवहार होगा वो सबका बहुत मर्यादित व्यवहार होगा, उसी में मर्यादित व्यवहार में ही ये इन्फोर्समेंट किया जाएगा। अब नाइट कर्फ्यू का मतलब ये है कि मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा, है ना, जो जहाँ है वो तो वहाँ रहेगा ही, तो मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया गया है कि रात के 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। और जो लोग रात को मूवमेंट करते हैं चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, ये सभी वर्गों के ऊपर लागू है, सिवाय जो एसेंशियल सर्विसेज में लगे हैं जो उन लोगों के ऊपर लागू नहीं। इस खबर में आज इतना ही। आप देखते रहिए firstbite.tv। नमस्कार।